वैशाली नगर एवं आसपास के थाना क्षेत्र अंतर्गत रात्रि कालीन भ्रमण कर बाइक चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की 9 मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया है। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सचिन नामक आरोपी हाल ही में बारो जेल से छूटकर बाहर आया था, जिसके बाद दोनों मिलकर फिर से सुनसान इलाके और पार्किंग स्थल से वाहन चोरी करना शुरू कर दिए। पत्रकार वार्ता के दौरान पूरे मामले की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने इस प्रकार से दी। वैशाली नगर थाने का मामला है, जहां पर एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इसमें ये जो दोनों आरोपी अभी अभी जेल से छूटे हुए थे और इन्होंने फिर से बाइक चुराना शुरू किया और पुलिस ने बिना सीसीटीवी बिना मोबाइल के बेसिक पुलिसिंग के दम पर, जो आम मुखबिरी पुराने जमाने में होती थी वैसी मुखबिरी के दम पर इस गैंग का पर्दाफाश किया। इन आरोपियों के खिलाफ एक दर्जन से अधिक मामले चोरी आदि के कायम थे और अभी भी इसमें इनके इनसे और भी रिकवरी की उम्मीद है पुलिस को। किस तरह के अपराधी हैं ये? मारपीट, चोरी, लूट, सभी प्रकार के, आसपास के जिलों में भी इन्होंने उत्पात मचा कर रखा हुआ था। पूर्व में भी ये ऐसे मामले में जेल जा चुके हैं, मोबाइल चोरी, बाइक चोरी में। अभी 9 बाइक चोरी हम लोगों ने बरामद किया है और पुलिस रिमांड लेकर अधिक से अधिक और बाइक कहाँ से बरामद किया? इनके घरों से। क्या बेचते भी थे? जी हाँ। इसके पहले कितनी बेच चुके हैं? इसकी संख्या तो काफ़ी बड़ी तादाद में है, लगभग 50 से अधिक की बाइक को उन्होंने पूर्व में चोरी करके बेचा था और पहले मामलों में पुलिस ने इनको पकड़ कर उनकी रिकवरी भी कर चुकी है। खरीदने वालों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होती है? ये पुराने आंकड़ों को देखने के पश्चात ही इस बारे बता पाऊंगा कि मामले पुराने हैं। वर्तमान में अगर ऐसे प्रकार का मामला आएगा तो खरीदने वालों के खिलाफ भी निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी।